आपने पानी के बर्तन जो है 50 कर देने और खुराक वाले बर्तन 45, ठीक है। अब ये छोटे बर्तन है, ये बात ध्यान में रखें, आपका जो बर्ड है वो चिक्स 300 मरबा फीट जगह लेगा और उसका वजन जो है वो 300 ग्राम के लगभग इसके आसपास एवरेज होना चाहिए और दर्जा हरारत है वो आपने स्टैंडर्ड सेट कर देना है 22 और 27 के दरमियान। अब पांचवें हफ्ते में आपने बर्तन टोटली चेंज कर देने अपने। अगर आप जो है वो इसको लेके जाना चाहते हैं, दो तरह के तरीके हैं खुराक और पानी के। एक तरीका ये है कि आप ड्रिंकर जो नॉर्मली जैसे आप पहले छोटे बर्तन यूज कर रहे थे उस जैसे ड्रिंकर ले आए बड़े और खुराक के लिए भी बर्तन वैसे लिए, उससे मिलते जुलते बड़े बर्तन आपको मिल जाएंगे मार्केट। अब उनकी तादाद कितनी है पांचवें हफ्ते में, क्योंकि आपका बर्ड जो है वो 450 ग्राम के लगभग होगा, आधा किलो के करीब पहुंच जाएगा। उसके बड़े पानी वाले बर्तन आपने 10 रखने हैं और खुराक के बर्तन आपने बड़े वाले 15 कर देने। आपका दर्जा 22 से 27 के दरमियान होना चाहिए। जो आपका चिकन है उसका वजन 450 ग्राम के करीब करीब होगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर जो है इसको मॉनिटर करने के लिए आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाते हैं, वो ह्यूमिडिटी भी आपको बता देता है और आपको टेम्परेचर की भी सूरत बताता रहता है। आपने करना क्या है, एक आपने जो जमीन है ग्राउंड लेवल है उससे कोई 2 फीट ऊपर लगाना है और एक आपने उससे कोई 5-7 फीट ऊपर, मतलब आपने छत के थोड़ा सा करीब एक जो है मीटर फिक्स कर दिया। उसे आपको ये पता चलेगा कि निचले लेवल पे टेम्परेचर क्या चल रहा है और ऊपर वाले टेम्परेचर क्या है। लोग फार्म स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो जो है उसकी हाइट वो 7 से 8 फुट नॉर्मली होती है और उसमें एग्जास्ट भी लगे होने चाहिए। एग्जास्ट का फायदा यह है क्योंकि जब आपका बर्ड अमोनिया सांस लेता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और अमोनिया की बहुत ज्यादा पैदा होती है, उसकी वेंटिलेशन के लिए एग्जास्ट बहुत जरूरी है। ये अहम तीन नुकता था जो मैं भूल गया पहले आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे छठे हफ्ते में। छठे हफ्ते में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपके बर्तन पानी के 12 हो जाने चाहिए और खुराक के बर्तन जो है वो 18 हो जाने चाहिए। 1000 बर्ड के लिए ये जो है बर्तन है और दर्जा हरारत आपका वही मैंने पहले बताया कि 22 से 27 के दरमियान होना चाहिए और जगह जो है अभी ये लेगा आपका बर्ड 600 फीट मरबा फीट में। तो आपने जैसे जैसे आपका बर्ड बड़ा होता जाना है आपने उसकी स्पेस भी बढ़ाते जाना है, इस बात का खास ख्याल रखना। और जो आपका बर्ड है उसका वजन 600 ग्राम के करीब करीब होना चाहिए और ये हर हफ्ते आप मॉनिटर करेंगे। सातवें हफ्ते में पानी के बर्तन 14 हो जाएंगे और खुराक के बर्तन जो है वो 20 के करीब और आपका दर्जा हरारत वही 22 और 27 के दरमियान रहेगा। बर्ड का वजन जो है वो 650 ग्राम होगा, आपका जो बर्ड है वो जगह जो घेरेगा वो 800 फीट मरबा। अब आपका बर्ड जो है वो ग्रोथ फेज में दाखिल हो गया, अब इसकी ग्रोथ होनी है, ये तेजी से बढ़ेगा। आठवें हफ्ते में पानी के बर्तन 1000 बर्ड के लिए 15 हो जाएंगे और खुराक के बर्तन हो जाएंगे 22। दर्जा हरारत है 22 से 27 के दरमियान। अब मैंने जैसे बोला कि जैसे ही आठवां हफ्ता स्टार्ट होगा तो फीड की मकदार जो है वो ज्यादा हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगा। एक अलहदा से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे खुराक के ऊपर, उससे आपको पूरी वीकली डेली मालूमात मिल जाएगी किस दिन कितनी है कि किस वीक में कितनी हो। आठवें हफ्ते में खुराक जो है वो उसकी मकदार ज्यादा होगी, फीड ज्यादा लेगा, जानवर ग्रोथ फेज है, 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक आपका वजन होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका बर्ड नौवें हफ्ते में दाखिल होगा तो पानी के बर्तन उतने ही रहेंगे जितने आठवें में थे, 15 बर्तन पानी के होंगे और 22 बर्तन जो है खुराक के लिए होंगे। और जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि आठवें हफ्ते में बर्ड की ग्रोथ जो है वो तेज हो जाएगी तो नौवें हफ्ते में आपका बर्ड जो है पूरी जगह 1000 फीट पूरे शेड में जो 1000 बर्ड के लिए आपने बनाया पूरी जगह जो उसको खिला दें और आपके बर्ड का वजन होगा 950 से 1000 के ग्राम के दौरान।
और टेम्परेचर आपने 22 से 27 के दरमियान ही रखना है। अब आप दाखिल हो गए हैं 10वें हफ्ते में। 10वें हफ्ते में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपके बर्तन सेम 9वें हफ्ते वाले 15 पानी के लिए और 22 होंगे खुराक के लिए। टेम्परेचर सेम सेम है 22 से 27 के दरमियान, लेकिन आपके बर्ड का वजन कद काठ जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा और वो होगा वजन जो है वो 1000 से लेके 1150 1200 ग्राम के दरमियान होना चाहिए। अब ये एस्टिमेटेड अमाउंट हम लोग आपको जो बता रहे हैं ये वेरी कर सकती है अगर आपके बर्ड को, ये हेल्दी वेल्दी बर्ड की ग्रोथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके बर्ड को कोई बीमारी आती है उससे आपका वजन कम भी हो सकता है, और अगर मौसम के कुछ असरात होते हैं जैसे गर्मियों में, गर्मी मई जून में अगर आप बर्ड डाल रहे हैं तो उसमें वजन वेरी कर सकता है, वजन की मकदार जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। अब इसके बाद जितने भी हफ्ते आप रखेंगे अपने बर्ड को अपने पास, उसका उसके बर्तन भी इतने ही रहेंगे 1000 के लिए, टेम्परेचर भी यही रहेगा, लेकिन ग्रोथ उसकी बढ़ती रहेगी। नॉर्मली 1100 1200 ग्राम के ऊपर जो है लोग इसको बेचना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने 10 हफ्ते तक का आपको एस्टिमेट दिया है उसमें क्या होना है। अब इनकी खुराक जो अहम तरीन है, खुराक के ऊपर आपको एक अलहदा से वीडियो मिल जाएगी, वो भी हम लोग जो है बना के अपलोड कर देंगे, हर वीक कितनी खुराक चाहिए उससे कितना वजन होगा। वैक्सीन के ऊपर भी अलहदा से वीडियो आएगी। अब ये अलहदा अलहदा से वीडियो बनाने का हमारा पर्पज क्या है, उसका मकसद ये है कि आपको इन डिटेल हर चीज का पता हो, किसी चीज के लिए आपको किसी को पूछना ना पड़े, किसी से कंसल्ट ना करना पड़े।